370 के समाप्त होने और धारा 144 पूरी तरह खत्म होने के सबब जम्मू के बाजारों में रौनक लौट आई है। जहां पूरी रियासत जम्मू कश्मीर 15 अगस्त की तैयारियों में लगा है, वहीं राखी के पावन अवसर पर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज चुके हैं। महिलाएं लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन है और लोगों में खुशी दोगुनी है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई हूँ उसकी लंबी उम्र के लिए। और ये रक्षाबंधन त्योहार मेरा फेवरेट त्योहार है। इस दिन हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। और जैसे कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन मेरे रक्षाबंधन आ रही है और मैं अपने भाई को राखी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ। तो रक्षा यहाँ पे मैं राखी खरीदने के लिए आई हूँ। कल रक्षाबंधन जैसे कि पहले जो अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो कल के दिन का मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कल आए और हम अपने भाइयों के लिए राखी बांधें। इसलिए यहाँ पे मैं ये आज शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, राखी खरीदने के लिए आई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक तो 370 धारा जो टूट गई और हम ऊपर से अब हमारा त्यौहार आ रहे हैं। हम इसके लिए मोदी जी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने और 300 धारा जो हटा दिया। इसलिए हम ये कल जो रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये बहुत खुश है। रक्षाबंधन के दिन जम्मू में पतंग उड़ाने का रिवाज है। युवा वर्ग खासा उत्साहित है। बाजारों में अलग अलग किस्म की पतंगों से दुकानें भरी पड़ी है। बाजारों में युवा वर्ग बड़ी पतंगों की मांग कर रहा है। अलग अलग डिजाइन व अलग अलग बड़े साइज की पतंगों की बहुत मांग है। डर सा रहा कि आज काम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा, पूरे दिन बारिश होती रही तो लाखों का माल अंदर पड़ा हुआ, उसका क्या करेंगे। बट अभी ठीक है, अभी धूप निकली है, थोड़ा काम शुरू हुआ है, शाम को रश पड़ेगा। बाकी वैरायटी डिज़ाइन में आप किसी से भी पूछ सकते हो। जो डिज़ाइन में हम नंबर वन थे, हैं, रहेंगे। बच्चों को खुश करना हमारा काम है। हर तरह का डिज़ाइन है। 12 फीट तक की गुड्डी मेरे से मिलती है पूरे जम्मू में। ऑलमोस्ट 60-70% पूरे जम्मू की सप्लाई हम ही पूरी करते हैं। पिछले साल ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।